पीएम मोदी ने साल 2022 तक देश के सभी बेघर परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अहम कदम भी बढ़ाया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसके तहत शहरी भारत में लोगों को आवास मुहैया कराए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर घर बनाएंगी। इसको त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और तमिलनाडु में बनाया जाएगा। यहाँ के गरीब लोगों को सरकार सस्ते, भूकंपरोधी और मजबूत मकान मुहैया कराएगी। ये मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए देश को नई तकनीक मिल रही है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश को आवास निर्माण की दिशा में राह दिखाएंगे। पीएम ने कहा कि ये प्रोजेक्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मिसाल है। पीएम ने कहा कि ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट आधुनिक तकनीक से बनेंगे, ये ज्यादा मजबूत होंगे, इसके साथ ही गरीबों के लिए सुविधाजनक और आरामदायक भी होंगे। हमने देखा है कि शहरों में हमारे इन श्रमिक बंधुओं को उचित किराए पर मकान उपलब्ध नहीं हो पाते। इसके कारण छोटे छोटे कमरे में बड़ी संख्या में श्रमिकों को रहना पड़ता है। इन जगहों पर पानी, बिजली, टॉयलेट से लेकर अस्वच्छता, ऐसी अनेक समस्याएं भरी पड़ी रहती है। राष्ट्र की सेवा में अपना श्रम लगाने वाले ये सभी साथी गरिमा के साथ जीवन जिए, ये भी हम सभी देशवासियों का दायित्व है। इसी सोच के साथ सरकार उद्योगों के साथ और दूसरे निवेशकों के साथ मिलकर उचित किराए वाले घरों का निर्माण करने पर बल दे रही है। कोशिश ये भी है कि आवास उसी इलाके में हो जहां वो काम करते हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि एक समय ऐसा था कि सरकार की प्राथमिकताओं में निर्माण नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से बदला गया। अब आवास निर्माण को भी स्टार्टअप की तरह चुस्त दुरुस्त किया गया है। पीएम ने कहा कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत देश के 6 शहरों में 365 दिनों में 1000 मकान बनेंगे। इस लिहाज से रोजाना 2.5 से 3 मकान बनेंगे। इन प्रोजेक्ट्स के लिए विदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। साथियों, पिछले साल कोरोना संकट के दौरान ही एक और बड़ा कदम भी उठाया गया है। ये कदम है एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ये योजना। इस योजना का लक्ष्य हमारे वो श्रमिक साथी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर गांव से शहर आते हैं। कोरोना के पहले तो हमने देखा था कि कुछ जगह से अन्य राज्य से आए लोगों के लिए अनाप शनाप कभी कभी बातें बोली जाती थी, उनको अपमानित किया जाता था। लेकिन कोरोना के समय सारे मजदूर अपने अपने यहां वापस गए तो बाकियों को पता चला कि इनके बिना जिंदगी जीना कितना मुश्किल है, कारोबार चलाना कितना मुश्किल है, उद्योग धंधे चलाना कितना मुश्किल है। और हाथ पैर जोड़ करके लोग लगे, वापिस आओ, वापिस आओ। कोरोना ने हमारे श्रमिकों के सामर्थ्य को, सम्मान को, जो लोग स्वीकार नहीं करते थे उनको स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। पीएम मोदी ने अब तक घर खरीदने वालों का हवाला देते हुए कहा कि उनका घर खरीदना एक सपना हुआ करता था, उनको अपने घर का सपना साकार करना मुश्किल काम था। पीएम ने कहा कि कई बार तो लोगों को पैसा दे देने पर भी मकान नहीं मिलता था। कई बार तो लोग मकान खरीदने वाला पैसा चुका देते थे, लेकिन घर मिलने का इंतजार करना पड़ता था। मगर हमारी सरकार ने इस रवैये को बदल दिया है। लोगों को घर की चाबी मिलना सिर्फ दरवाजा या दीवार का मालिकाना हक मिलना नहीं होता है, बल्कि ये चाबी लोगों के विकास और उनकी प्रगति का द्वार खोल देती है। पीएम ने कहा कि ये घर की चाबी दिमाग के द्वार खोल देती है, इससे लोगों के सपनों को पंख लगते हैं, इससे व्यक्ति को अपने समाज में सम्मान मिलता है। साथियों, देश में ही आधुनिक हाउसिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी
रिसर्च और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए आशा इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से भारत में ही 21वीं सदी के घरों के निर्माण की नई और सस्ती टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी। इस अभियान के तहत 5 सर्वश्रेष्ठ तकनीकों को चयन भी किया गया है। अभी मुझे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पर आधारित किताब और ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स नवरीति, इससे जुड़ी पुस्तकों के विमोचन का भी अवसर मिला। इनसे जुड़ी सभी साथियों को भी इस एक प्रकार से होलिस्टिक अप्रोच के लिए मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।